नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। दोपहर में मैंने आप लोगों से बताया था कि लखनऊ में विद्यार्थी 4 दिन से डटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी के आवास के पास की तस्वीरें हैं जहां पर ये विद्यार्थी आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे। वहां पर इन छात्रों को जबरदस्ती ये पुलिस वैन में रखा। इन छात्रों को देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से एक एक छात्र के ऊपर 10-10 ये पुलिस की जो सिपाही हैं, दरोगा हैं, ये लोग किस तरीके से पकड़ रहे हैं ये देखिए। और ये जबरदस्ती करके इन विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया और उसके बाद इन विद्यार्थियों को इस पुलिस वैन में भरा गया। लेकिन विद्यार्थियों ने नारेबाजी बंद नहीं की तरीके से पूरे लखनऊ शहर में इन विद्यार्थियों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की। अब देखते हैं कि ये आवाज़ है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर तो अवश्य कर दिया करें, हो सकता है किसी अधिकारी और मुख्यमंत्री या किसी सरकार के पास ये वीडियो पहुँच जाए। दबाव बनाया गया उनके जानते ही होंगे, लेकिन इतने दिनों से हम लोग बुला रहे हैं, 4 दिन से अनवरत धरना चल रहा है यहाँ पे नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। और हम सब आज मजबूरन 4 दिन से लेटे हुए हैं, कोई बात सरकार सुन नहीं रही है। मजबूरन आज हम शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर घेराव किए। हौसला हमारे सभी साथियों को बुलंद था, हम लोग यहाँ पे आए आवास पे पूर्वक जो है हम सभी को जो है अंदर किया। हमारा बलपूर्वक हमारे सभी साथियों का अंदर है, ऐसे ही यूं ही लड़ाई जारी रहेगी। आप सभी से ये उम्मीद करेंगे कि आप सहयोग देते रहे। लखनऊ जिले के शहर है, अकेले लखनऊ वाले चाहे तो भर्ती निकलवा सकते हैं। आए दिन घेराव, हर एक चीज में सहयोग करें तो हमारे दूर दूर से भाइयों की जरूरत ही न पड़े। इतने छात्र कोचिंग कर रहे हैं, पता नहीं किस उम्मीद के साथ कोचिंग कर रहे हैं। कितना कोचिंग करके क्या करेंगे, 4 महीना सिलेबस अगर छोड़ देंगे ना भर्ती नहीं आएगी। शिक्षक भर्ती निकलवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को आज शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा बलवत्तापूर्वक हमारे छात्रों को घसीटा गया, किसी का गला दबाया गया, काफ़ी छात्रों का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है। हमारी मांग जारी रहेगी जब तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता, तब तक हमारी मांग जारी रहेगी। आप सभी साथियों से अधिक विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इको गार्डन पहुँचिए, नहीं तो 3 से 4 साल तक बेरोजगार रह जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जो है नई शिक्षक भर्ती निकलवाने के लिए अधिक से अधिक लखनऊ सड़कों पर उतरिए। किस तरीके से लखनऊ शहर में जो भी विद्यार्थी हैं, चंद विद्यार्थी पूरे लखनऊ में शिक्षक भर्ती के नारे से यहाँ पूरा घूम रहा है और लगातार शिक्षक भर्ती की यहाँ पर ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। पूरे लखनऊ में बहुत सारे सरकार के अधिकारी, बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब लोग देख रहे होंगे, लेकिन कोई भी अधिकारी विद्यार्थियों की इस Yeah.
प्रशासन ने विद्यार्थियों का काफी साथ दिया। जो विद्यार्थी इको गार्डन में नहीं कर पाते वो पुलिस वैन में विद्यार्थियों ने जागरूक किया। पूरे लखनऊ वासी देख रहे थे और पूरा शहर देख रहा था, पूरी मीडिया देख रही थी, पूरे शहर में घूमने का मौका भी मिला और अच्छे खासी नारेबाजी भी हो गई। हम अपना अधिकार मांगते हैं। नारेबाजी विद्यार्थियों ने आज जोरदार तरीके से, ये देखिए सभी छात्रों को, सभी लोगों को विद्यार्थी इशारा कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यानी बस के अंदर, बस के बाहर, मोबाइल के अंदर भी प्रचार हो जाना चाहिए, एडवर्टाइज हो जाना चाहिए शिक्षक भर्ती का। और फिलहाल ये जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। विद्यार्थी आर पार की लड़ाई के मूड में है, ऐसा लग नहीं रहा कि विद्यार्थी डर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा किस जज्बे के साथ में विद्यार्थी आज शिक्षा मंत्री के आवास में घुसे थे और क्या घटनाक्रम हुआ। आप लोग शेयर करिए और ये जो वीडियो है कम से कम प्रधानमंत्री तक जाए, वो क्लास लगाएं। जब मुख्यमंत्री की तो हो सकता है तब कुछ बात बने, जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ है। हम लोग बात कर लेते हैं अब यूपी टीईटी की। आखिरकार यूपी टीईटी की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? तो जानकारी निकल करके ये आ रही है कि यूपी टीईटी के लिए कोई भी डेट, एक भी दिन नहीं मिल पा रहा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को, जिस दिन परीक्षा कराई जाए। आप लोगों को पता होगा कि 16 तारीख से सीटेट के लगातार एग्जाम हैं, इसी बीच में आईबीपीएस बैंक के भी एग्जाम हैं, हाई कोर्ट के भी एग्जाम शुरू हो चुके हैं। आप लोगों को पता होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ, एआरओ, एपीएस, बहुत सारी भर्तियों के एग्जाम जो चल रहे हैं। तो ऐसा एक भी दिन नहीं मिल पा रहा इन लोगों को कि जिस दिन इन लोगों को परीक्षा करवाई जाए। देखिए रजत सिंह क्या कह रहे हैं, देखिए। सभी साथियों से निवेदन है, एक बार पुनः रजत सिंह आपके लिए महाधरने का आह्वान करने वाला है। लिए हम मंच पे एक बड़ी संख्या में आना होगा, इसलिए निवेदन हो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, संख्या में आ सके, इसलिए निवेदन कर रहे हैं। जल्द महाधरने की आज शाम को डेट निर्धारित हो जाएगी और निवेदन करना चाहता हूँ उस तिथि को इको वैन में इतनी संख्याएं होनी चाहिए कि प्रदेश सरकार मजबूर हो जाए। अगर आप सब अभी नहीं जागे, आज जिस तरीके से हमारी छात्राएं, बहने और भाई को मारा गया है, ये जान के चलिए और गिरफ्तार करके इको गार्डन में लाया गया, कहीं ना कहीं हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। आज ये आवाज कुछ चंद लोगों को मारकर नहीं दबाया गया है, ये 21,00,000 लोगों को मारकर आवाज को दबाया गया है। आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन के लिए जितने युवा प्रशासन ने पत्रता फैलाई है, सरकार से लिया जाएगा, इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ। तो फिलहाल इन विद्यार्थियों को यहाँ से गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर के इको गार्डन में छोड़ दिया गया है और इको गार्डन में जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन चालू है। हम लोग बात कर रहे थे यूपी टीईटी की। तो यूपी टीईटी के बारे में ताज़ा अपडेट यही है कि तारीखों को लेकर के मंथन हो रहा है, बाकी सारी की जो सारी तैयारियाँ वो पैरेलल चल रही हैं, परीक्षा एजेंसी को लेकर के, पेपर की शुचिता को लेकर के, क्या क्या पेपर स्वच्छ तरीके से कहाँ छपवाया जाएगा, किस तरीके से छपवाया जाएगा, कौन कौन से सेंटर रखे जाएंगे, किन सेंटरों को बाहर किया जाएगा, ओएमआर में क्या बदलाव किया जा सकता है, और इन सब चीज़ों को लेकर के अलग से काम हो रहा है। और केवल परीक्षा की जो तारीखें हैं वो निश्चित नहीं हो पा रही हैं, उसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से भी यही जानकारी दी गई है। ये देखिए लिखा हुआ है कि जिसके फॉर्म यूपी टीईटी के सीटेट के जो है 16 से लेकर के 13 जनवरी तक सीटेट के एग्जाम है। आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम है वो 12 तारीख, 18 तारीख और 19 दिसंबर को है। तो इसी महीने 12, 18 और 19 तारीख को आईबीपीएस का है और कुछ और भी एग्जाम है दूसरे स्टेट के, जैसे बिहार पुलिस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 26 दिसंबर को बिहार पुलिस एसआई भर्ती है। हरियाणा टीईटी भी है 18 और 19 दिसंबर को, पंजाब टीईटी भी है 24 दिसंबर को। तो दिसंबर की तो कोई तारीख खाली है ही नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ की जो परीक्षा है वो चल रही है 14 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर के बीच में, ये एआरओ की परीक्षा भी तो आरओ की हुई है आज। और यूपी टीईटी से तो यही सब बातें हैं जिनकी वजह से जो है तारीखों का ऐलान नहीं कर पा रही है सरकार। तो फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।